सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो भाई नई अपडेट आई है सी टू कंडक्टर के लिए, ठीक है, देख लेना भाई। भाई आपको पता होगा सी टू कंडक्टर 2023 पर जिस टाइम डीवी चल रहे थे तो कुछ बच्चे उस टाइम पे एबसेंट थे, चाहे कोई उनका एग्ज़ाम लगा लो या और भी, चाहे किसी भी कारणवश से जो नहीं जा पाए थे अपने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, ठीक है। तो भाई नई लिस्ट आ चुकी है, ये आप देख सकते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस फॉर बस कंडक्टर एबसेंटीज, ठीक है, जो उस टाइम पर एबसेंट थे। ये आप ओपन कर लेना, जैसे ही ओपन होती है ये देख लो भाई, ठीक है। ऑफिस ऑफ द डिवीजन मैनेजर सी टू डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग टेरिटोरी चंडीगढ़, ठीक है। रिगार्डिंग भाई जो फेल्ड एबसेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसीजर, उस टाइम पे जो फेल्ड थे यानी जो पहुँच नहीं पाए थे उनके लिए ये लेटर दोबारा से इशू हुआ है, ठीक है। तो भाई उसमें मैं अभी नीचे रोल नंबर भी दिखा दूंगा किन किन बच्चों का नाम आ रखा है, ठीक है। बाकी एड्रेस आप देख सकते हो, इन्होंने बता रखा है डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट यूटी चंडीगढ़, प्लॉट नंबर 701, इंडस्ट्रियल एरिया फेस वन चंडीगढ़, जो कि आपको 4 मार्च और 5 मार्च को भाई वहाँ पर पहुँचना है। सुबह 9:30 बजे से लेके शाम को 5:30 बजे तक आपको वहाँ पर रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। ध्यान रखना 3 सेट्स ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है भाई। तो इसमें ध्यान रखना भाई 3 सेट आपके जो डॉक्यूमेंट्स के वो आपको लेके जाने हैं, प्लस में 1 ओरिजिनल एंड 2 सेट फोटोकॉपी, भाई टोटल 3 है। यानी कि एक तो आपका ओरिजिनल सेट होना चाहिए, जैसे कि आपके ओरिजिनल आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, प्लस 2 आपका कंडक्टर लाइसेंस वगैरह, ये एक ओरिजिनल सेट होना चाहिए। 2 फोटोकॉपी के सेट सेम वही आपको बनवा के लेके जाने हैं, ठीक है। और शेड्यूल डेट एंड टाइम वेरिफिकेशन फॉलोइंग, भाई उस टाइम पे आपको क्या लेके जाना है ये देख लेना। डेट ऑफ बर्थ, भाई जिसके अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, जैसे कि हमारी 10वीं की मार्कशीट होती है उसके अंदर आपको डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है वो लेके जानी है, ठीक है। कहाँ पे गया ये रहा, एक नंबर पे देख लेना भाई DOB, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे दे रखा है 10+2 पास सर्टिफिकेट, +2 का भाई सर्टिफिकेट मांग रखा है, वैलिड कंडक्टर लाइसेंस 3 नंबर, चौथा आपका कास्ट सर्टिफिकेट, चाहे आप किसी भी जाति से हो अपना वो लेके जाना है, पाँचवा ये उनके लिए भाई जो एक्स सर्विस मैन वगैरह है ना ये उनके लिए है, पाँचवा फिजिकल हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट, ठीक है भाई, जिसको फिजिकल हैंडीकैप्ड जिन्होंने बनवा रखा है वो अपना लेके जाए भाई साथ, LND भाई स्पेशल सर्टिफिकेट होता है इसको भी आप लेके जाना साथ में, ठीक है। और 6 नंबर फोटोग्राफ भाई, 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ठीक भाई, 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो इन्होंने दे रखा है भाई आपको लेके जाना है। EWS वाले बच्चे हैं भाई वो अपना EWS सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है साथ में। NOC सर्टिफिकेट इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, भाई NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है भाई, ठीक है, ये उनको उनके लिए है, ठीक है। उसके बाद आपको दिखाता हूँ द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट रिमेन एबसेंट, ठीक है भाई, जो बच्चे एबसेंट थे ये उनकी लिस्ट है, ठीक है। एक नंबर पे आप देख सकते हो 16, 73, 10, 38, 34 श्री मंजीत सनोप, श्री बलवान सिंह, ठीक है भाई, ये इनका पहला रोल नंबर है। और टोटल इन्होंने भी फिलहाल 25 बच्चों की लिस्ट निकाली है, ठीक है भाई, ये 25 बच्चे यानी कि साफ सी बात है वैकेंसी है जो बढ़ने लग रही है थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। और डेली दो चार बच्चे मान चलो आप इंक्रीज हो ही रहे हैं, चाहे वो कंडक्टर हो चाहे ड्राइवर हो, ठीक है। तो बाकी भाई वीडियो में देखने के लिए आपका धन्यवाद, आगे इस प्रकार की कोई भी जानकारी होगी वो आपको दीजिए भाई। इसमें दे रखा है इन्होंने साहब कि जो लिस्ट में अभी हमने रोल नंबर दिए गए हैं, अगर इस लिस्ट में आने के बाद भी आप नहीं पहुंचे तो भाई आपको इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा भाई, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना आप। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना भाई, कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो, हमारे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।